ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिताश विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। शिवाशुभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत वदांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबुधे पादांभुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते कौरार्विभावभूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। चैतासुरतोपंगोर्मम ममतरगति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य द्वंद्वारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहस्तनस्तो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारम्भि वंशी वट तट स्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु न तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने क्या था अध्याय दो भगवद गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक नंबर 39 और 40। आज हम करेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक नंबर 41 42 और प्रयास करेंगे 42 43 साथ में है तो करने का तीन श्लोक। श्लोक नंबर 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदना बहुशाखा हांतंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। है कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो श्लोक में भगवान अर्जुन के सामने
उस बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति कर्म बंधन से छूटने के लिए प्रयास करता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है। तो श्लोक संख्या 39 में हमने पढ़ा, भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे अब उस बुद्धि का वर्णन करेंगे जिस बुद्धि के द्वारा अर्जुन अपने कर्म बंधन को काट सकेंगे। 39 में बोला भगवान ने कि तुम अपने कर्म बंधन को काट सकोगे। फिर 40वें श्लोक में भगवान ने उस बुद्धि का वर्णन करने के पहले प्रस्तावना के रूप में बुद्धि की तीन विशेषताओं का वर्णन किया। ठीक है, अब इस श्लोक में भगवान इस बुद्धि की तुलना अभक्तों की अनेक प्रकार की बुद्धियों से कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि बुद्धि तो हमेशा एक ही रहती है, लेकिन अभक्त जो होते हैं, जो अभक्तों की बुद्धियां होती है, वो आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, जो अभक्त होते हैं, अभक्तों की बुद्धियां क्या होती है, आगे जाके अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। पहले श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं, व्यवसाय यात्मिका बुद्धि रे केह कुरु नंदना, अर्थात है कुरु नंदन, इस मार्ग में व्यवसाय यात्मिका बुद्धि एक ही होती है। यहाँ पर भगवान बुद्धि के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या प्रयोग कर रहे हैं शब्द का? व्यवसाय यात्मिका। तो अब हमको ये व्यवसाय यात्मिका बुद्धि जो है, इस व्यवसाय यात्मिका को समझना पड़ेगा पहले, है ना। तो ये जो व्यवसाय यात्मिका शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे इसका अगर अपन, तो व्यवसाय प्लस आत्मिका। ठीक है, अब व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? व्यवसाय का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। ठीक है, और आत्मिका का अर्थ होता है आत्मा वाली। ठीक है, अब इस प्रकार व्यवसायत्मा यात्मिका का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जिसकी आत्मा दृढ़ संकल्प हो। तो अब हम इस बुद्धि की तुलना, ऐसे हमको समझ नहीं आएगा तो हम क्या इस बुद्धि की तुलना ना एक पेड़ से करेंगे। एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष देखा है ना, तो आत्मा शब्द के अनेक अर्थ है जिसमें एक अर्थ होता है जीवात्मा। आत्मा के अपन ने पढ़े पहले अनेक शब्द है, तो एक अर्थ इसका होता है जीवात्मा। आत्मा का एक अर्थ होता है जीवात्मा, लेकिन सामान्य रूप से जो है किसी भी वस्तु की आत्मा उस वस्तु का भाग होता है। ठीक है, जिसके ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा उस वस्तु की सुरक्षा और पालन होता है। ठीक है, आत्मा जो है एक शरीर का, किसी भी चीज का, उस वस्तु का ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा उस वस्तु की सुरक्षा और पालन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृक्ष की जो है आत्मा क्या होती है? वृक्ष की आत्मा कहाँ पे होती है? जड़ में होती है ना। तो वृक्ष की आत्मा क्या है? जड़ में है। अब क्योंकि वृक्ष जड़ के सहारे ही खड़ा रहता है और वृक्ष को भोजन पानी भी जड़ के द्वारा ही प्राप्त होता है, राइट? जड़ में पानी देंगे तभी वृक्ष को मिलेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से वृक्ष का प्रारंभ जड़ से होता है, उसी प्रकार से इस बुद्धि का प्रारंभ दृढ़ संकल्प से होता है। जैसे वृक्ष का जो प्रारंभ है, शुरुआत कहाँ से होगी? पहले जड़ से ही लगेगा ना, पेड़ बड़ा होएगा ना। ऐसे ही जो बुद्धि है, इसका जो जड़ है वो क्या है? हमारा दृढ़ संकल्प है। ठीक है,
तो हमको समझना चाहिए कि व्यवसायित्मक बुद्धि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी आत्मा जड़ है, अर्थात जड़ है। ठीक है, अब व्यवसाय मतलब ऐसा दृढ़ संकल्प कि मुझे कर्म बंधन से छूटना ही है, इस संसार के भोगों में हम मेरे को नहीं फंसना है। दृढ़ संकल्प क्या है? यही दृढ़ संकल्प है क्या, कि मुझे कर्म बंधन से छूटना है और इस संसार के भोगों में नहीं फंसना है। तो शिल प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में दृढ़ श्रद्धा बतला रहे हैं और कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ से प्रारंभ होता है तथा इसी जड़ के बल पर खड़ा रहता है और इसी जड़ के द्वारा पुष्ट होता हुआ ऊपर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार यह बुद्धि जो है वो इस दृढ़ संकल्प से प्रारंभ होती है, इसी दृढ़ संकल्प पे खड़ी रहती है और इसी दृढ़ संकल्प के द्वारा पुष्ट होती हुई ऊपर की ओर अर्थात कृष्ण की ओर बढ़ती है। हमारी जो बुद्धि है वो इसी तरह से दृढ़ संकल्प से पुष्ट होती हुई खड़ी रहती है, फिर पुष्ट होती है और बढ़ती है भगवान की तरफ। तो वृक्ष जितना अधिक ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी और मजबूत होती जाती है। मानते हो ना, जितना पेड़ ऊपर फैलता है उसकी जड़ें जमीन में उतनी ज्यादा गहरी और फैलती है। तो उसी प्रकार ये बुद्धि भी जितनी अधिक विकसित होती है उसकी जड़ अर्थात यह दृढ़ श्रद्धा भी उतनी ही गहरी और मजबूत होती जाती है। ठीक है, पेड़ के उदाहरण से समझ में आ रहा है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं एकेह। अब ये एकेह जो शब्द है वो भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा। एका का अर्थ हुआ एक ही रहती है और इह का अर्थ हुआ इस संसार में। जो एकेह है उसका संधि विच्छेद करेंगे एका प्लस इह। तो एका का अर्थ हुआ एक ही रहती है और इह का अर्थ हुआ इस संसार में। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यह व्यवसायात्मिका जो बुद्धि है इस संसार में एक ही रहती है। इस संसार में कुछ ऐसे वृक्ष भी होते हैं जो सदा ऊपर की ओर बढ़ते हैं तथा अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं होते हैं। कोई कोई पेड़ देखे होंगे आपने, वो एक ही शाखा में बढ़ता है, वो उसकी अनेक शाखाएं नहीं निकलती है। तो उसी प्रकार से बुद्धि भी सदा श्री कृष्ण की ओर ही विकसित होती है। इसकी शाखाएं बुद्धि की शाखाएं नहीं निकलती। जो बुद्धि दृढ़ संकल्प से है होती है वो बुद्धि की जो शाखा एक ही होती है, वो भगवान कृष्ण की ओर ही विकसित होती है और इसका किसी भी प्रकार की अन्य शाखाओं में विभाजन नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए लिख रहे हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब श्रील प्रभुपाद विदेश नहीं गए थे, जब श्रील प्रभुपाद विदेश नहीं गए थे और दिल्ली में बैक टू गॉड गॉड हेड नामक पत्रिका लिखते थे श्रील प्रभुपाद, उस वक्त उसका संशोधन करते थे, कागज खरीदते थे, पत्रिका को छपवाते थे, स्वयं बेचने जाते थे और उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं था श्रील प्रभुपाद के पास, और धन भी बिल्कुल नहीं था श्रील प्रभुपाद के पास। अमेरिका जाने से पहले की बात है ना। तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद इतने बिजी होते थे और कुछ कारणवश
सब चीजों का अभाव होने के कारण भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाते थे श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जिस दुकान से कागज खरीदते थे उसको बहुत आश्चर्य होता था। तो उसने वो सोचता था कि इतना परिश्रम, ये क्यों श्रील प्रभुपाद इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं जबकि उनको कुछ लाभ तो हो ही नहीं रहा है। इस बुक में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इनको कोई लाभ जबकि हो ही नहीं रहा है ना। तो एक दिन उसने पूछ लिया श्रील प्रभुपाद से कि आप श्रील प्रभुपाद आप इतनी मेहनत क्यों, परिश्रम इतना क्यों कर रहे हो, इससे तो आपको कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि परिश्रम ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या बोले श्रील प्रभुपाद, ये परिश्रम जो मैं कर रहा हूं यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इस श्लोक में जिस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि दिव्य बुद्धि सदा एक ही रहती है, वह अनेक शाखाओं में विभाजित नहीं होती है, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद का सदा एक ही लक्ष्य रहा। क्या लक्ष्य रहा श्रील प्रभुपाद का, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। आप लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी लोग तो कर लीजिए। थैंक यू प्रीति माता जी, थैंक यू दुर्गा माता जी। तो यदि हम अपनी बुद्धि से, थैंक यू रानू माता जी, तो यदि हम अपनी बुद्धि से जीवन के लक्ष्य का विचार करें तो भी यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त हमारे जीवन का भी कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। तो अपने भक्त के दृढ़ निश्चय की परीक्षा भगवान भी लेते हैं। अब भगवान चेक करते हैं हमको कि जो मेरे भक्त हैं इनका जो निश्चय है वो कितना दृढ़ है, तो हमको एग्जामिन करते हैं। कैसे करते हैं, व्यक्ति की बुद्धि के विचलित होने की दो प्रकार से संभावनाएं रहती है। किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो कब विचलित होती है, दो बार विचलित होती है। एक पहली संभावना तो ये होती है कि जब व्यक्ति के जीवन में अनेकों अनेक कठिनाइयां आती है तो वह अपने लक्ष्य से विचलित होता है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो हम अपने लक्ष्य से विचलित होते हैं। और दूसरी संभावना, जब व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह के प्रलोभन आते हैं तब भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से विचलित होता है। देखिए, कठिनाइयों में भी विचलित होता है मन, और किसमें, प्रलोभनों में भी। जब बहुत ज्यादा सुख आ जाएगा हमारे पास तब भी हमारा मन विचलित होता है, लक्ष्य जो है हमारा विचलित होता है। लेकिन भक्त ना तो कठिनाइयों में भगवान के चरणों की सेवा करना छोड़ते हैं और ना ही प्रलोभनों में भगवान श्री कृष्ण का भजन करना छोड़ते हैं, है ना। जो भक्त होते हैं विपत्तियों में भगवान की सेवा न छोड़ने का उदाहरण हम अगर लें तो हरिदास ठाकुर देखिए कितना कष्ट पाया उन्होंने। 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया उनको, है ना, लेकिन उन्होंने हरिनाम का उच्चारण करना बंद किया क्या, नहीं किया। और उन्होंने चाहे जितनी कोई उनके शरीर के टुकड़े, बोले वो कि मेरे शरीर के चाहे तुम टुकड़े टुकड़े कर दो पर मैं हरिनाम का उच्चारण फिर भी बंद नहीं करूंगा, है ना। और प्रलोभनों में भी अगर हम देखें कि श्री कृष्ण की सेवा ना छोड़ने का कोई उदाहरण ले तो भी हरिदास ठाकुर है। कैसे है कि देखिए उनको कितना प्रलोभन किया, जिस समय अपने निर्जन गुफा में भजन कर रहे थे उस टाइम हीराबाई आई थी ना उनके पास, है ना, सुंदर वेश्या, क्या करने के लिए, उनसे प्रणय की याचना करने के लिए आई कि आप मुझसे विवाह करो, है ना। तो हरिदास ने क्या किया, हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उस वेश्या को लगातार 3 दिन तक, आपको पता है ना कथा करी थी, उसमें क्या बताया उन्होंने कि 3 रात तक डेली उसको बुलाया कि अभी मेरे जप पूरे नहीं हुए, आप प्लीज ऐसा करो आज शाम को आना, मैं पक्का जप पूरा करके रखूंगा। 3 लाख जप लेते थे वो एक दिन के। पहले दिन आई तो उसने कहा ठीक है, तो वेट करी अभी, अब खत्म हुआ जब, कब खत्म हुआ है, अब खत्म, पूरा रात निकल गया जब खत्म ही नहीं हुआ हरिदास ठाकुर का। दूसरी रात भी आई, फिर बोला मुझे आपसे प्रणय संबंध स्थापित करना, बोले अभी रुको
आज मेरा जब कंप्लीट कर लूंगा मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तीसरे दिन भी ऐसे ऐसे करते करते मतलब कुल मिला के इतना उस वेश्या को लगातार 3 रातों का हरिनाम सुनाया। 3 रात तक हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को हरिनाम सुनाया और कहकर हरिनाम की संख्या पूरी हो जाएगी, उसकी याचना को स्वीकार करूंगा करूंगा करके। इस प्रकार हरिदास इतने बड़े प्रलोभन से भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस वेश्या को भी शुद्ध कर दिया। लास्ट में जब वो गई तो हरिनाम करती हुई गई, है ना ऐसा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं व्यवसायिका बुद्धि एक ही है तथा उसकी अन्य कोई शाखा नहीं है। तो इस व्यवसायात्मिका बुद्धि को हम भक्ति लता भी कह सकते हैं, भक्ति लता भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय की भूमि से पहले से बोया हुआ जो श्रद्धा रूपी बीज होता है हमारे हृदय में, जो श्रद्धा रूपी बीज होता है वो जब अंकुरित होता है तो फिर भगवान के श्रवण और कीर्तन रूपी जल से हम इसका सिंचन कर करके इस भक्ति लता बीज को ऊपर बढ़ाते हैं। हमारे मन में जो श्रद्धा का हम बीज डालते हैं पहले, उसको हम भगवान के श्रवण और कीर्तन से, वो पानी के रूप में श्रवण कीर्तन कर करके उस भक्ति लता बीज को हम बड़ा करते हैं, है ना, सिंचन करते हैं उसका, और उसकी जो लता होती है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो ये जो होती है वो अनेक शाखाओं में विभाजित नहीं होती है, है ना। ये ऊपर उठते उठते ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके ब्रह्म ज्योति पहुंच कर भी और ऊपर उठ जाती है, फिर यह और ऊपर उठते हुए भगवान के धाम में पहुंच जाती है और भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेती है। उस समय ये लता ऊपर उठना बंद करके, जब भगवान के चरणों में पहुंच जाती है उस समय अपना ऊपर उठना ये बंद कर देती है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही फिर यह फैलने लगती है। वहां तक तो एक ही उसमें बढ़ेगी, उसके बाद फिर फैलने लगेगी और कृष्ण रूपी फल उत्पन्न करती है। तो भगवान श्लोक की दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं बहुशाखा हांताश्च बुद्ध यो व्यवसायिनां, अर्थात जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। अब अपने अभी तक कौन चर्चा की, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, ठीक है। अब हम चर्चा यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों की बात बता रहे हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार कोई वृक्ष नीचे तने पर एक ही होता है परंतु आगे चल चलकर अनेक शाखाओं में विभक्त होता है, उसी प्रकार जिन व्यक्तियों का निश्चित लक्ष्य कृष्ण भावना अमृत नहीं है उनकी बुद्धियां अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उनकी तो जो जो जिन पेड़ की बहुत सारी शाखाएं निकलती उस पेड़ की तरह बुद्धि हो जाती है, और लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत में है उनकी बुद्धि पेड़ का एक ही लक्ष्य के ऊपर चढ़ती है और कहाँ जाके ऊपर रुकती है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके रुकती है और फिर वहां पर फैलती है, उसके बाद ऊपर नहीं उठती वो, उसके बाद फिर वहां फैलना चालू हो जाती है। तो यदि इस बुद्धि का अर्थ अपन इच्छा भी माने तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है उसी प्रकार भगवान से विमुख व्यक्ति, कल प्रभु जी बता रहे थे विमुख व्यक्ति मतलब 3 और 6 थे ना कल सुबह की क्लास में, क्या बता रहे विमुख व्यक्ति मतलब 3 और 6। तो विमुख व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा होती है वो आगे चलकर अनेक प्रकार की इच्छाओं में विभाजित हो जाती है। जो भगवान से विमुख व्यक्ति है, भगवान ऐसे खड़े हैं वो ऐसे खड़ा है ना, उसकी बुद्धि जो है वो आगे चलकर अनेक, उनकी इच्छाएं जो है वो आगे चलकर अनेक इच्छाओं में विभाजित हो जाती है, उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो जिस प्रकार पेड़ की अनेक शाखाओं से प्रत्येक शाखा की अनेक प्रशाखा होती है,
आपने देखा ना पेड़ के अंदर जो शाखा एक निकली उसके अंदर से फिर एक शाखा, फिर एक शाखा ऐसे निकलती जाती है अंदर अंदर से, उनको प्रशाखाएं बोलते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से वो प्रशाखाएं पेड़ में उत्पन्न होती है, उस प्रकार से वृक्ष अनंत प्रकार से विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार से जो कृष्ण के विमुख व्यक्ति हैं, उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में विस्तृत होकर अनंत हो जाती है। उनकी जो इच्छा होती है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है, कृष्ण से विमुख है, उनकी इच्छाएं इस पेड़ की शाखाओं की प्रशाखाओं की तरह बढ़ती जाती कुल मिला के बहुत ज्यादा फैल जाती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बुद्धयो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धयो शब्द देखिए बहुवचन है, इसका अर्थ है बुद्धियां। तो भगवान से विमुख जो जीवात्मा होता है वो अपने हृदय में अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करके अपने जीवन को बहुत तनावपूर्ण बना लेता है। तनाव कहाँ से आता है? हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो हम पनपाते हैं, उन इच्छाओं को बढ़ाते हैं और फिर वो पूरी नहीं होती है तो तनाव आ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस संसार में अनेक व्यक्तियों की शरण लेनी है तथा इसके साथ साथ भगवान की भी शरण लेनी है ना, तो भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। भगवान ने क्या कहा? मामेकं शरणं व्रज, मेरी अकेले की शरण लो तुम। आप देवताओं को भी मान रहे हो, आप पितरों को भी मान रहे हो और आप जाके भगवान को भी मान रहे हो, तो भगवान खुश नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको भगवान श्री कृष्ण की ही शरण एकमात्र लेनी है, ठीक है। श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान ने व्यवसायी व्यक्ति का वर्णन किया, दूसरी पंक्ति में भगवान ने अव्यवसायी व्यक्ति का वर्णन किया, ठीक है। अब यदि व्यवसाय का अर्थ अपन व्यापार माने, जनरली हम लोग व्यवसाय मतलब व्यापार मानते हैं, तो व्यवसायी का अर्थ हुआ व्यापारी, ठीक है। तो अब अव्यवसायी का अर्थ क्या हुआ? जिसको व्यापार का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। व्यवसाय मतलब व्यापार, व्यवसायी मतलब व्यापारी, तो अव्यवसायी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको व्यापार का कोई भी अनुभव नहीं है। तो यह मनुष्य शरीर एक कार के समान है, जो हमारा मनुष्य शरीर है वो एक कार मान लेते हैं इसको। अब जिन जीवात्माओं को यह मनुष्य शरीर रूपी कार मिली है, जिन मनुष्यों को ये शरीर रूपी कार मिली है, वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो व्यवसायी और एक अव्यवसायी। मनीषा माता जी समझ में आ रहा है ना। जिन व्यक्तियों को ये कार रूपी शरीर मिला है वो दो प्रकार के, एक व्यवसायी और एक अव्यवसायी। तो जो व्यवसायी जीवात्मा है वो मनुष्य शरीर रूपी कार का मनुष्य जीवन रूपी व्यापार में उपयोग करके कृष्ण प्रेम रूपी धन इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? जो व्यवसायी जीवात्मा है वो इस मनुष्य रूपी कार का प्रयोग मनुष्य जीवन रूपी व्यापार में करके कृष्ण प्रेम रूपी धन इकट्ठा कर लेते हैं। अब व्यवसायी व्यक्ति की बुद्धि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में केंद्रित होती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि व्यवसायी व्यक्ति की बुद्धि एक होती है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम का ही धन इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए उनकी बुद्धि एक है और अन्य शाखाओं में विभक्त नहीं होती है। परंतु जो अव्यवसायी जीवात्मा है, जो 336 है, जो भगवान से विमुख है, उन्हें ऐसे मनुष्य जीवन रूपी व्यापार का, जिनको व्यापार का अनुभव भी नहीं है, अव्यवसायी है ना वो, तो उनको व्यापार का अनुभव भी नहीं है, तो वो इस मनुष्य रूपी कार का उपयोग संसार के विभिन्न भोगों को भोगने में करते हैं।
अब उनकी बुद्धि कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति में केंद्रित न होकर अनेक प्रकार के भोगों के, वो अपने पढ़ा भोगों में जो शाखाएं रूपी में खूब सारी बढ़ती जाती है, फिर वो उनकी इच्छाएं शाखाएं, ठीक है, व्यवसायी अव्यवसायी, क्लियर सबको, क्लियर राजेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा, वीडियो ऑफ है आपका। तो इस संबंध में हम एक कथा लेते हैं, उस कथा से हमको पता चलेगा कि व्यक्ति कृष्ण के चरणों में विशेष प्रार्थना, जो जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में प्रार्थना नहीं करता है, उसकी बुद्धि कृष्ण प्राप्ति के मार्ग से किस प्रकार से विभक्त हो जाती है। एक बार क्या हुआ, एक गुरु थे और एक शिष्य थे, उन शिष्य को आदेश दिया गुरु ने कि तुम है ना प्रतिदिन गीता का पाठ किया करो। क्या बोला गुरु ने शिष्य को कि तुम प्रतिदिन गीता का पाठ किया करो। तो वह शिष्य एकांत स्थान में जाके गीता का पाठ करने लगा। कुछ समय पश्चात एकांत स्थान में पाठ करते करते उसने देखा कि उसकी जो पुस्तक पड़ी हुई है उस पुस्तक को एक चूहा खा रहा है। क्या देखा, उसकी जो गीता की पुस्तक है उसको चूहा खा रहा है। उसने आइडिया लगाया, अपना दिमाग लगाया, उसने कहा चूहे को मारने के लिए बिल्ली पालता हूं। तो उसने चूहे को मारने के लिए बिल्ली पाली। बिल्ली को दूध पिलाने के लिए, बिल्ली को दूध चाहिए होता है, बिल्ली कैसे जिएगी, दूध पिलाने के लिए उसने गाय पाली कि गाय पालता हूं बिल्ली को रोज दूध मिलेगा, ठीक है। तो उसकी जो बुद्धि थी अब एक और अतिरिक्त शाखा में विभक्त हो गई। पहले तो एक ही तरफ थी, कहां कहां गीता पाठ करना था उसको, ठीक है। अब उसकी बुद्धि विभक्त हो रही, देखो कैसे हो रही है, चूहे में गई, फिर बाद में बिल्ली में गई, फिर बाद में गाय की देखभाल करने के लिए उसने विवाह कर लिया, फिर पत्नी आई। तो इस प्रकार से उसकी बुद्धि है ना अनेक शाखाओं में विभक्त हो गई। फिर पत्नी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसने नौकरी करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि एक और शाखा में विभक्त हो गई। तो इस कथा से निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि शिष्य अपने गुरु से आदेश ना लेकर आध्यात्मिक मार्ग में अपने मनमाने ढंग से चलता है, गुरु ने तो क्या कहा था कि तू गीता का पाठ करना, अगर वो डेली गीता का पाठ करता रहता तो उसको दिक्कत नहीं आती ना, है ना। लेकिन उसको चूहा दिख गया तो उसने उसने सोचा कि मेरी बुक को कुतर देगा, फिर बिल्ली पाल ली। तो उसकी जो बुद्धि है मनमाने ढंग से चलाना, वो तो अनेक शाखाओं में उसकी बुद्धि विभाजित हो गई और अंत में क्या हुआ, पथभ्रष्ट हो गया वो। फिर नौकरी करने के बाद तो फिर पता नहीं क्या ही होता है, फिर क्या गीता पाठ तो कहीं गया हो तो भूल गया एकदम से। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए लिख रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा, है ना। यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए यह है कि हमको अपनी मनमाने ढंग से भक्ति नहीं करनी, हमको जो गुरु कहते हैं गुरु के निर्देशन में हमको भक्ति करनी है। श्री प्रभुपाद कहते हैं अव्यवसायी व्यक्ति की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होने के कारण वो निर्णय नहीं कर पाती है। श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो अव्यवसायी व्यक्ति होता है ना उसकी बुद्धि है ना अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो वो किधर एक निर्णय में नहीं रह पाएगा ना, इधर उधर 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 चारों तरफ उसका दिमाग चलेगा ना। तो उसको क्या करना चाहिए, तो 18.31 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो बुद्धि रजोगुण में होती है वो निर्णय नहीं कर पाती क्या धर्म है क्या अधर्म है, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को कुरुनंदन के नाम से संबोधित कर रहे हैं ना। तो आपको सबको पता है कुरु नाम के राजा थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे, और जो अर्जुन है वहां यहाँ पे श्री कृष्ण के आदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं करेंगे अगर,
तो फिर महाराज कुरु अर्जुन पर कैसे प्रसन्न होंगे, ये कह के भगवान को कुरु बोल रहे हैं, तो कुरु नंदन बोल रहे हैं, है ना। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हमको भी भगवान को प्रसन्नता के लिए अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाना चाहिए, भगवान कृष्ण के की भक्ति। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर हमारा 41 हो गया। ठीक है, टाइम है अभी एक और श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 42-43। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादराता पार्थ ज्ञान्यदस्तिति वादिन कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदम् क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ और नहीं है। तो भगवान अर्जुन के सामने अब उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें वेदों की अलंकारिक भाषा के कारण भोगों में आसक्त व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति से विचलित हो जाता है। श्लोक संख्या 39 में भगवान ने बुद्धि योग की चर्चा की। कौन से बुद्धि योग की चर्चा की? जिससे व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर श्लोक संख्या 40 में भगवान ने बुद्धि योग की 3 विशेषताएं बताई तथा श्लोक संख्या 41 में भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो लोग सांसारिक भोगों में आसक्त हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब इन 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग सांसारिक भोगों में आसक्त हैं वे वेदों की अलंकारिक भाषा के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि वे यह जानना ही नहीं चाहते हैं कि वेदों में इससे आगे भी और कोई बातें बताई गई है। देखिए, अलंकारिक भाषा जो है उससे हम लोग को समझ में आना, हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि यहाँ पे अलंकारिक भाषा जो मतलब बहुत ज्यादा अलंकारिक सुंदर ढंग से प्रस्तुत की हुई है, इसके अंदर हम एक उदाहरण ले सकते हैं इसको समझने के लिए कि जैसे मतलब आगे पढ़ा ही नहीं है, हम वहीं तक पढ़ के हमारी बुद्धि को वहीं हमने स्थिर कर दिया, उससे आगे हम पढ़ा ही नहीं हमने, और हम जो सोच रहे हैं कि भगवान यही कह रहे हैं, भगवान यही कहना चाह रहे हैं। ऐसा जैसे एक एक डॉक्टर ने एक 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 व्यक्ति है बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, दिन की 100 सिगरेट पीता है, ठीक है, चेन स्मोकर है। उसको एक डॉक्टर के पास गया तो उसको डॉक्टर ने कहा कि ठीक है तुम कितने सिगरेट पीते हो? बोला मैं 100 सिगरेट पीता हूँ एक दिन की। बोले अच्छा ठीक है, तुम एक वीक कैसा करो 50 सिगरेट छोड़ दो, 50 पियो। डॉक्टर ने सोचा एकदम से उसको बोलूंगा कि सारी सिगरेट छोड़ दे तो ये छोड़ेगा नहीं, है ना। तो डॉक्टर ने कहा 50 पीना, तुम आज से एक वीक के लिए 50 सिगरेट पीना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर गया वो, फिर डॉक्टर ने कहा अबकी बार तुम 25 सिगरेट पीना, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट ऐसे करते करते जब वो 5 सिगरेट उसके डॉक्टर ने बता दी और डॉक्टर का गोविंदा नमो नमः हो गया, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो है अब उस 5 सिगरेट को सिद्धांत बना के बैठ गया कि मुझे तो डॉक्टर ने कहा है 5 सिगरेट पीनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा ही है, जो अलंकारिक भाषा के कारण भोगों में आसक्त व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण की भक्ति से इसीलिए विचलित होता है, क्योंकि वो सिद्धांत बना के बैठ गया कि 5 सिगरेट तो पीनी ही है, जबकि अगर वो डॉक्टर का गोविंदा नमो नमः नहीं होता तो वो ज्यादा जाता तो अगली बार डॉक्टर कहता कि अब तुमको सिगरेट नहीं पीनी है ना, लेकिन वो तब तो गया ही नहीं, वहां पे गया ही नहीं वो।
उसके बाद गोविंद नाम नाम हो गया। अभी वो क्या बोल रहा है, मेरे को तो 5 सिगरेट, डॉक्टर ने बोला है 5 सिगरेट तो मस्ट है मेरे लिए, मुझे दिन की पीनी ही है। तो यहाँ पे यही है चीज। तो इस श्लोक में भगवान अव्यवसायी लोगों का वर्णन कर रहे हैं। अपन ने पढ़ा ना पिछले श्लोक में व्यवसायी और अव्यवसायी लोग, वो क्लियर हो गया ना आपको। तो अभी इस श्लोक में भगवान क्या करें, अव्यवसायी लोगों का वर्णन कर रहे हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान अव्यवसायी लोगों के 5 लक्षण बता रहे हैं। दो श्लोकों में अव्यवसायी व्यक्तियों के 5 लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। पहला भगवान शब्द बोल रहे हैं अविपश्चित। अविपश्चित शब्द विपश्चित शब्द का उल्टा है। अविपश्चित मतलब जो विपश्चित नहीं है। विपश्चित का अर्थ होता है बुद्धिमान। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो विपश्चित होता है, और जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जो चीजों को छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देखता है ना, वो व्यक्ति होता है विपश्चित, अर्थात बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अविपश्चित का अर्थ क्या होगा? अगर विपश्चित का अर्थ बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी है, तो अविपश्चित का अर्थ क्या होगा? जो व्यक्ति बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी नहीं है, राइट? तो भगवद गीता का उपदेश मनुष्य को बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए ही है। कि जो भगवद गीता है, इसका जो उपदेश है, वो व्यक्ति को बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए ही है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह समझता है कि इस पृथ्वी के अथवा स्वर्ग के जो भोग हैं, वो क्षणभंगुर हैं तथा अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाले हैं, है ना। तो भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि बुद्धिमान लोग ऐसे भोगों में आसक्त नहीं होते हैं। जो लोग सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, उन्हें अविपश्चित अर्थात अल्पज्ञ कह रहे हैं भगवान। जो व्यक्ति सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, आसक्त हैं, उनको अविपश्चित मतलब अल्पज्ञ मतलब मूर्ख कह रहे हैं, जो बुद्धिमान नहीं है। दूसरा कह रहे हैं भगवान वेदवादरत। देखिए श्लोक में देखिए, दूसरा भगवान कह रहे हैं वेदवादरत। वेदवाद का अर्थ हुआ वेदों के शब्द। जो वेदवाद है वो क्या हुआ? वेदों के शब्द। और रत का अर्थ हुआ प्रसन्न या अनुरक्त। तो इस प्रकार से वेदवादरत का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के शब्दों से अत्यंत हर्षित होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वेदों के ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे भोगों में आसक्त व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद श्लोकों के तात्पर्य में बता रहे हैं, वेदों के कर्मकांड भाग में ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन है जिसमें व्यक्ति को बताया जाता है कि स्वर्ग में अप्सराओं का भोग मिलेगा तुमको, तुमको सोमरस का पान करने को मिलेगा, जीवन के अनेक प्रकार की सुविधाएं तुमको प्राप्त होगी। तो अब व्यक्ति उससे आसक्त होगा कि नहीं होगा, बताओ? जब बता रहे हैं उसको कि तुमको अप्सराओं का भोग करने को मिलेगा, सोमरस का पान मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, तो वेदों के इन शब्दों को देखकर भोगों में आसक्त व्यक्ति बहुत उत्साहित हो जाता है, और वेदों के इन शब्दों के द्वारा वो अट्रैक्ट होके और इंद्रिय तृप्ति का समर्थन करने लग जाता है कि मेरे को तो इंद्रिय तृप्ति करनी है, मेरे को तो भोग ही करना है, मेरे को तो स्वर्ग ही जाना है, और ये सब अप्सराएं मिलेगी वहां पे, और जो वो सोमरस मिलेगा वहां पे, और इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, तो मैं यहाँ पे धरती पे पृथ्वी पे क्यों रहूं, है ना। आज प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास में 4 to 5 वाली क्लास में बता रहे थे कि लोग स्वर्ग जो है ना वो 5-star होटल है, और जो पृथ्वी है वो नॉर्मल होटल है। दोनों होटल, दोनों जगह से जब अपना किराया अपने पास नहीं होगा तो निकाल देंगे अपने को, है ना। तो प्रभु जी बता रहे थे कि 5-star होटल में तो भगवान आपको वहां तो अल्टीमेटम देते हैं कि भाई हाँ हम आपको निकाल रहे हैं, आपका पैसा खत्म हो गया, लेकिन भगवान तो अल्टीमेटम ही देते हैं, शरीर से पटाख से निकाल दूसरे शरीर में डाल देते हैं, है ना। तो ऐसा
तो यहाँ पे भोगों में आसक्त व्यक्तियों का तीसरा लक्षण भगवान बता रहे हैं, नान्यदस्ति इति वादन वादिना। पहला क्या बताया था, अविपश्चित अर्थात अल्पज्ञ। दूसरा बताया वेदवाद रत, है ना। और तीसरा बता रहे हैं नान्यदस्ति इति वादिन, अर्थात वो कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर, ऐसे व्यक्ति जो सोच रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर और कुछ संसार में है ही नहीं, जो कुछ है इंद्रिय तृप्ति है, बस इंद्रिय तृप्ति करो और मस्त रहो, इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन कौन सोचते हैं ऐसा, अल्पज्ञानी लोग सोचते हैं, जिनको वैदिक ज्ञान का नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। तो गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों का जो प्रयोजन है वो यही है कि मेरे को जानना, भगवान कृष्ण को जानना। वेदों का प्रयोजन क्या है, भगवान को जानना। लेकिन अल्पज्ञानी व्यक्ति विषय भोगों में लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, भगवान की महिमा को समझते ही नहीं है, और भोगों की कामना के कारण उनका ज्ञान ढक जाता है। कैसा ढकता है ज्ञान उनका भोगों की कामना से, जैसे आग जो होती है ना उसके ऊपर धुआं आ जाता है, आपने देखा ना, आग नजर नहीं आती है उसके ऊपर, तो धुआं होता है, आग नजर नहीं आएगी, ऐसे ढक जाता है। और जो एक कांच मिरर होता है उसके ऊपर धूल जम जाती है, तो मिरर में देख सकते हो क्या आप अपने आप को, अगर धूल जमी है तो धूल हटानी पड़ेगी ना। जनरली हम ऐसा करते हैं, मिरर की धूल तो नहीं हटाते हैं, अपने ऊपर यूं 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 करते हैं, हमको पता ही नहीं है क्योंकि मिरर के ऊपर धूल है, इसलिए हम नजर नहीं आ रहा इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भोगों की कामना के कारण उनका ध्यान ऐसे ढक जाता है जैसे मिरर पे धूल आ जाती है और अग्नि धुएं से ढक जाती है। चौथा बता रहे लक्षण भगवान, कामात्मा। काम और आत्मा, कामात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो काम और आत्मा। तो काम का अर्थ हुआ भोगों की कामना, आत्मा का अर्थ हुआ अपना स्वरूप। आत्मा मतलब क्या होता है, आत्मा मतलब होता है अपना स्वरूप। तो इस प्रकार कामात्मा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो भोगों की कामना को ही अपना स्वरूप मानता हो। क्या मान रहा है वो भगवान, देखिए 3.39 में आगे हम पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे कि काम को, भगवान ने तो बता दिया, हम अब पढ़ेंगे कि काम को जीवात्मा का नित्य शत्रु बताया भगवान ने। क्या बताया, काम जो है वो हमारे जीवात्मा का ना नित्य शत्रु है। ये शत्रु ऐसा शत्रु है कि मन बुद्धि, मन क्या होता है, इस शत्रु का जो मन होता है वो बुद्धि और इंद्रियों में प्रवेश करके जीवात्मा को पाप कर्मों में लगा देता है। क्या करता है, पाप कर्म कैसे कराता है जीवात्मा से, ये ज्ञान को ढक देता है पहले और पाप कर्म करवाता है, फिर क्या करता है कि जीवात्मा का शत्रु जो मन है उस वो बुद्धि और इंद्रियों में घुस जाता है और पाप कर्म करवाता है। फिर उससे बुद्धि और इंद्रियों में घुसा और पाप कर्म करवाएगा, तो यह काम जीवात्मा का अत्यंत खतरनाक शत्रु है। तो यदि जीवात्मा अपने मन बुद्धि तथा इंद्रियों में घुसे हुए शत्रु को न जानकर इस शत्रु को के कार्यों को अपना कार्य समझता है, अभी वो क्या व्यक्ति क्या करता है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा बुद्धि और ये मन है ना मेरे इंद्रियों में और बुद्धि में घुस गया और मुझसे काम करवा रहा है, वो समझ नहीं रहा, वो क्या सोच रहा है कि मैं ही कर रहा हूं ये सब। अब शत्रु को अपने से अलग नहीं समझ रहा है वो, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। तो और अगर अपन आत्मा का अर्थ ईश्वर माने, अपन कहते हैं ना आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है अंदर, है ना, तो अगर ईश्वर माने तो कामात्मा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो काम को ईश्वर मानता हो। अब वो जो ऐसा व्यक्ति है जो काम को ईश्वर मान रहा है, वो कह रहा है जी मेरे भोग कर रहा हूं ना मैं, यही भगवान है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं यही भगवान है, तो ऐसे व्यक्ति काम को अपना स्वामी और ईश्वर मान के काम के आदेशों का पालन करने में लग जाते हैं और फिर काम के गुलाम बन जाते हैं। फिर वो बिल्कुल पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना बस उसमें लगे रहते हैं, फिर बिल्कुल उसके गुलाम बन जाते हैं वो कि हाँ मेरे को कमाना ही है पैसा ऐसा। तो क्यों कमाना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, भोग करना है ना। इसके बाद पांचवा लक्षण भगवान बता रहे हैं स्वर्ग पर। तो ये शब्द दो शब्दों से मिलके स्वर्ग और पर। स्वर्ग का अर्थ क्या होता है, स्वर्ग का अर्थ होता है भौतिक जगत के उच्चतर लोक जहां पर इंद्रिय तृप्ति के अनेक प्रकार की सुविधा है। भौतिक जगत के अंदर
जो उच्चतर के लोक है, स्वर्ग आदि, है ना, जहां पे बहुत सारी भौतिक सुविधाएं हमको प्राप्त होती है। और पर का अर्थ होता है आसक्त या अनुरक्त। तो जिस प्रकार स्वर्ग पर का अर्थ हुआ, ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। बिंदु माता जी, जयंती प्रभु, समझ में आ रहा है? आ रहा है, गुड। तो स्वर्ग पर का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, विषय भोग में आसक्त है, उनका ज्ञान इस प्रकार नष्ट हो जाता है, वो क्योंकि वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इतने उत्सुक होते हैं। जिस प्रकार जो भक्त होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जितना उत्सुक होते हैं ना, वैसे ही ये जो लोग होते हैं ना, कौन, अव्यवसायी, वो क्या होते हैं, भोगों को प्राप्त करने के लिए उतने। जैसे भक्त लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्साही होते हैं ना, कि हमको भगवान भगवान का सब करना उनको अच्छा लगता है, वैसे उनको भोगों का सब करना अच्छा लगता है। तो देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे एक है। प्रबोधानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन किया था एक श्लोक में। उस श्लोक में था, त्रिदश पुर आकाश पुष्पायते, अर्थात जिन भक्तों पर चैतन्य महाप्रभु की करुणामय दृष्टि पड़ जाती है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि स्वर्ग में सुख की प्राप्ति उतनी ही काल्पनिक है जिस प्रकार आकाश में पुष्प की प्राप्ति काल्पनिक है। अब आकाश में फूल लग सकते हैं क्या? आकाश में तो फूल लगेंगे, फूल कहाँ लगेंगे? फूल तो धरती पे लगेंगे, जड़ें होगी, फैलेंगे, फिर फूल लगेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि आकाश में आपको कहीं से भी फूल नजर आ जाएगा, कहाँ लगेगा उसको? जड़ तो, आधार तो चाहिए ना, कुछ जमीन तो चाहिए ना उसको लगने के लिए, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की भगवान की कृपा दृष्टि जिस पे पड़ जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये जो पेड़ ऐसे बता रहे ना हमको, फूल फाल, ये सब एक्चुअल में नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो इसी प्रकार से उन व्यक्तियों को पता होता है, जो भक्त होते हैं उनको पता होता है कि स्वर्ग में ना तो सुख है और ना ही सुख वहां पर ठहरेगा, और ना ही वहां पर सुख विकसित, जब है ही नहीं तो ठहरेगा कहाँ से और विकसित कहाँ से होगा। तो स्वर्ग में भी, और आपको पता है स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग चले जाएंगे तो वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं मिलेगा हमको, वो तो वहां पर भी है। तो फिर स्वर्ग जाने से क्या लाभ है, है ना। तो अल्पज्ञानी मनुष्य जो है तो वो उस वेदों की उस वाणी पर विचार करते हैं। कौन सी? ऐसी वेद वाणी जिसके चार लक्षण है। देखिए, वेद वाणी मतलब आप समझ रहे हो ना, ये वेद वाणी मतलब ऐसा है कि ऐसी वाणी जो हमने मैंने पहले बताया आपको कि जिसपे मतलब जिसको अट्रैक्ट करके, अलंकारित करके और उसको पेश किया गया है, इसलिए वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे। मनीषा माता जी, समझ आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ठीक है, श्लोक में देखिए। यामिमां पुष्पिता, तो पुष्पिता जो है वो अल्पज्ञानी मनुष्य जिस वेदवाणी का कथन करते रहते हैं, उनका पहला लक्षण भगवान बता रहे हैं, पुष्पिता। पुष्पिता का अर्थ है जो पुष्पों से सजी हुई हो, ऐसी वाणी जो पुष्पों से सजी हुई है। अब वेद क्या है पता है? वेद मान लो एक कल्प वृक्ष है, वो वेद है, ठीक है। अब वेद कल्प वृक्ष वेद है, और उसका पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत है। एक पेड़ है, वो वेद है, वो कल्प वृक्ष है, ठीक है। जो एक कल्प वृक्ष है वो वेद है, और उसके ऊपर जो फल लगा हुआ है वो श्रीमद् भागवतम है, ठीक है। अब उस फल के ऊपर, देखिए पेड़ के ऊपर जो फल लग रहा है वो तो हमको खाना है, लेकिन उसी पेड़ के ऊपर फूल लगे हुए हैं, उन फूलों का बस वो दिखने में बहुत सुंदर है फूल, लेकिन फूलों को खा सकते हैं क्या? फूलों को खा तो नहीं सकते ना अपन, तो वो फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये इसी प्रकार से
ये सेम इसी प्रकार से है कि वो दिख तो बहुत सुंदर रहे हमको, पर हम उनको खा नहीं सकते, उनको उपयोग नहीं कर सकते। एक्चुअली तो वो फूल हम क्या करते हैं, व्यक्ति क्या करता है कि वो फूल इतना सुंदर दिखता है उसको कि वो सोचता है कि जब फल इतना मीठा है तो फूल भी सुंदर हो, फूल भी सुंदर दिख रहा है तो मीठा होगा, तो जब वो फूल को खाने जाता है तो उसको कड़वा लगता है फिर वो फूल, क्योंकि फूल में तो कुछ ही नहीं, वो खाली दिखने में सुंदर है, वो है कड़वा। तो ऐसा तो उसी प्रकार से वेद रूपी वृक्ष की पुष्पिता वाणी सुनने में कहने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो जिस प्रकार से पुष्पों में रस नहीं होता है वैसा फल में होता है, वैसा ही वेदों की पुष्पिता वाणी का अर्थ यहाँ पे है ऐसी वाणी जिसमें भोग और ऐश्वर्य हो। तो दूसरा लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, पहला बताया पुष्पिता, दूसरा लक्षण भगवान बता रहे हैं जन्म कर्म फलम प्रदम। तो अच्छे जन्म के रूप में कर्म का फल प्रदान करने वाली, तो भगवान संकेत दे रहे हैं कि कोई बुद्धिमता नहीं है कि संसार में हम किसी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए किसी माता के गर्भ में निवास असीमित। देखिए हम स्वर्ग भी चले गए ना अगर, तो भी हमको फिर से, आज हमने पढ़ा ना, स्वर्ग में जाने के बाद भी जब तक हम रहेंगे वहां पे, जब तक हमारे जो पुण्य कर्म है वो वहां पे क्षीण ना हो, जब तक हमारे पुण्य कर्म, हमने बहुत बड़े बड़े अनाथालय और हॉस्पिटल और सब बना दिए हमने, खूब पैसा लगा के, ठीक है, पुण्य कमा लिया, खूब पुण्य कर लिया, ठीक है, स्वर्ग चले गए। अभी स्वर्ग में हम रहेंगे, भोग करेंगे, जन्म मृत्यु जरावादी वहां पे भी है, माँ के घर में फिर आना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग चले गए तो हमको माता घर में नहीं आना पड़ेगा हमको, है ना। तो जब तक हमारे पुण्य है तब तक हम वहां रहेंगे, जैसे हमारे पुण्य क्षीण हुए फिर से हमको आना पड़ेगा कहाँ पे, यही पृथ्वी पे, फिर से हमको उतारे। तो यहाँ पे अगर स्वर्ग की पुष्पिता वाणी अगर हमको स्वर्ग भी प्राप्त करा देती है तो भी हमको वापिस से हमको कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, कर्म बंधन में तो हमको लगेगा ही, हमको कर्म बंधन हमको आना तो पड़ेगा ही वापस। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हुए हम फिर उल्टे मुंह गिरेंगे, सीधे नीचे और पैर ऊपर, सीधे नीचे, तो बड़े कष्ट होगा फिर हमको बड़ा, है ना। तीसरा बोल रहे हैं भगवान, क्रिया विशेष बहुलाम, अर्थात वेद वाणी जिसमें अनेक प्रकार के विधि विधान है। देखिए कुल मिला के जो वेद वाणी है ना, ये आप कर्मकांड समझ लो इसको, ये कर्मकांड है ये जो वेद वाणी है ना, जिसके हम लक्षण प्राप्त करिए तीन, इसमें तीसरा है ये वाला। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे विधि विधान है, अनुष्ठान है और पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी भी, कर्मकांड की बात हो रही है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो फिर हमारे पर उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। हैं? तो जो लोग भक्तों का संग तो नहीं करते हैं, भगवान के भक्तों का संग तो नहीं करते हैं, और ऐसे वैदिक तड़क भड़क से आकर्षित हो जाते हैं, नहीं मैं तो बड़ा बड़ा यज्ञ करूंगा, मैं तो यज्ञ करने में करूंगा, भक्तों के संग नहीं करेंगे, भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो कर्मकांड के साथ यज्ञ करेंगे, तो फिर उनका क्या होगा, उल्टा परिणाम होगा, फायदा होगा कुछ उनको नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तत्व के प्रति इतने आसक्त तो होते हैं, वो क्यों करते हैं यज्ञ, वो यज्ञ इसलिए करते हैं ताकि उनको कुछ फायदा हो, उस यज्ञ से उनको कुछ फायदा हो, जबकि होगा, हो सकता है उल्टा भी हो जाए, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनको देवताओं और पितरों को और पता नहीं किस किस को खुश करने के लिए वो कुछ भी कुछ बड़े बड़े व्रत, मुश्किल मुश्किल व्रत करते हैं और उनको फायदा कुछ नहीं होता है, फिर क्या होता है, फिर स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से फिर वापिस आते हैं। तो भौतिक व्याधि व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस प्रकार से अनेक विधियों से वो अनुष्ठान करते हैं। चौथा भगवान बता रहे हैं भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, ये वेदवाणी जो है वो व्यक्ति को भोग और ऐश्वर्य की ओर आकृष्ट करती है।
जो वेदवाणी होती है, तो यहाँ पर भोग का अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति, और ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? धन बल यश सौंदर्य, है ना। तो जिन लोगों के जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने में कोई श्रद्धा नहीं होती है, वे वेदों की इस वाणी के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि कर्म बंधन से जन्म मृत्यु के जरा व्याधि से कैसे छूटे हम, तो वो तो उसी में, मैंने बताया ना, वो उतना ही, वो एक टारगेट बना लेते हैं कि इतना ही पढ़ा उन्होंने, आगे पढ़ा ही नहीं तो आगे जाते ही नहीं, उतना ही समझते हैं फिर वो। तो भगवान ने क्या कहा 5.29 में, भोक्ता राम यज्ञ तपसा नाम सर्वलोक महेश्वर, है ना। तो भोक्ता कौन है? भोक्ता तो एकमात्र परम भगवान ही है ना, है ना। और हम जो लोग होते हैं वो अव्यवसायी, वो क्या सोचते हैं? हम भोक्ता है, वो यही मान के बैठते हैं ना कि भोक्ता हम है, और इसीलिए कष्ट पाते हैं जीवन में, क्योंकि भोक्ता राम यज्ञ तपसा राम सर्वलोक महेश्वर, भोक्ता तो एक भगवान श्री कृष्ण ही है। तो बेटर यह है कि यदि हमें शांति प्राप्त करनी है तो जो भी भोग प्राप्त हो वो हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, है ना। क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता है, हमें जो भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान ही परम ईश्वर है। परंतु जो लोग भगवान से स्वतंत्र होकर भोगी बनना चाहते हैं, वो ईश्वर बनना चाहते हैं, तो वेदों के कुछ उपदेश ऐसे हैं कि व्यक्ति को भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को पर शांति प्राप्त नहीं होगी जब तक वो भोगों में लगे रहेंगे, इंसान को शांति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शांति कब प्राप्त होगी? जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान क्योंकि भोक्ता राम या तपसरा, भोक्ता राम तो वही है ना, हम तो भोग्य वस्तु है, भगवान भोक्ता तो भगवान है, और हम भोक्ता बनने की कोशिश करेंगे तो हम कष्ट झेलेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान एक्चुअली यहाँ पे अल्पज्ञानी जो व्यक्ति है ना, उनकी उनको अच्छा नहीं बता रहे हैं भगवान। यहाँ पे भगवान उनकी तुलना कर रहे हैं अर्जुन की स्थिति से। तो अर्जुन यहाँ पे क्षत्रिय है और उसका धर्म क्या है? युद्ध करना। तो एक्चुअली जनरली जो राजा लोग होते हैं वो युद्ध किसके लिए करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? कि इनका राज्य मुझे मिल जाएगा, मैं युद्ध करूंगा, मैं जीतूंगा, इसका राज्य मुझे मिल जाएगा, फिर मैं भोग करूंगा, इंद्रिय तृप्ति करूंगा, राइट। भाई राजा लोग युद्ध किसके लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ना, है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन का जहाँ पे प्रश्न है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, और ना ही उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि स्वजनों से युद्ध करके वे साम्राज्य प्राप्त कर सकते हैं, पर उनसे लड़ना नहीं चाहते। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध करके साम्राज्य तो प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। अब जब भगवान ने आदेश दिया उनको, भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो युद्ध कर लिया उन्होंने। तो ठीक है, भगवान आपकी प्रसन्नता इसी में है तो मैं करता हूं युद्ध। लेकिन उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं युद्ध किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के संतोष के लिए, भगवान की इच्छा के लिए उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। तो जैसे तमसो मा ज्योतिर्गम है, तो भगवान कह रहे हैं इस अंधकार में मत रहो तुम। ये भौतिक जगत जो है वो अंधकार है, ये भौतिक जगत में जिसमें हम रह रहे हैं वो अंधकार है। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है हमको। हमको कैसे पता चलता है कि रात हो गई? जब चंद्रमा निकलता हमको लगता रात हो गई, सूर्य अस्त हो जाता रात हो गई, जैसे सूर्य डूबता हमको लगता दिन हो गया, जबकि ऐसा होता थोड़ी है। रात्रि क्या है? रात्रि का अर्थ है भौतिक जगत का असली रूप। जो भौतिक जगत का असली रूप है वो रात्रि है, अंधकार है वो। तो जब सूर्य का प्रकाश होगा तो हम सोचेंगे दिन आ गया, परंतु वास्तव में अंधकार है। परंतु ये दूसरा जगत है वो आध्यात्मिक जगत, वहां पे क्या है? वहां पे हमेशा प्रकाश रहता है, वहां पे कभी अंधकार नहीं होता है, हमेशा वहां पे प्रकाश ही रहता है आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो वेदों की शिक्षा यही है कि अंधकार पूर्ण भौतिक जगत में मत रहो, बल्कि ज्योतिर्मय धाम में आओ। वेद क्या कह रहे हैं? वेद हमको यही तो शिक्षा देते हैं। तो कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि उनका नित्य धाम है, जहां पर आकर तुम आ जाओगे तो तुमको वापिस नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम स्वर्ग में जाओ, तुम पृथ्वी पर रहो, तुम फाइव स्टार होटल्स में रहो, तुम कहीं भी रहो,
लेकिन तुमको फिर से पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा तुम्हारे पुण्य समाप्त होते ही, है ना। तो भगवान ये चाहते हैं कि जो बद्ध जीव हैं हम जैसे सब लोग, तो वो सब उनके नित्य धाम में आ जाए, जहां से हमको वापिस से यहाँ पे ना आना पड़े। तो मेन बात ये है कि हमको स्वर्ग की कामना ना करके भगवान के धाम जाने की प्लानिंग्स करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, समय हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, माफी चाहती हूँ, 5 मिनट पर 2-3 श्लोक हो गया आज, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, स्पेशल थैंक्स टू दुर्गा माता जी, रमा माता जी, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रतन तिवारी प्रभु भी आज पधारे हैं, प्रीति माता जी, रानू माता जी, मनीषा माता जी, बिंदु माता जी, जयती प्रभु, श्री राम निमय प्रभु माता जी, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुटी वैष्णवंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।